हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 12th का 9th चैप्टर उपसंस योजक यौगिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में विभिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने 4 एग्जांपल्स कराए थे उपसंस योजक संख्या 4 के लिए और उपसंस योजक संख्या 6 के लिए। 4 के लिए जो करवाए थे उसके अंदर आप लोग को NaCN4 और NaCl4 के एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक प्रतिचुंबकीय था, एक अनुचुंबकीय था। प्रतिचुंबकीय किस वजह से हो जाता है? पेयरिंग की वजह से। अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ठीक है। उसके बाद में आपके उपसंस योजक संख्या 6 में था, जिसमें CONH3 और COF6। याद रखना, जितने भी हैलोजन है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आएंगे। OH है, H2O है, उसके बाद और जो हमारे एक्स्ट्रा होंगे वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड में, ठीक है। तो अभी जो आपके उपसंस योजक यौगिक में मैंने VBT के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया था, उसके लिमिटेशंस भी पढ़ ली थी, उसके सीमाएं पढ़ ली। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT, इस थ्योरी के अंदर क्या होता है, इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि मेटल जो होता है हमारा, केंद्र धातु और लिगेंड होते हैं, कि इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल कैसा होता है कि होता क्या है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, यानी कि लिगेंड के पास हम लोग क्या मान सकते हैं, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, और मेटल क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब मेटल के पास क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो इनके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बताया गया था। ये सिद्धांत सबसे पहले बेथे के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने बैठे ने ये बताया था कि जो मेटल और जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, और वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल किसकी वजह से होता है, लिगेंड पे पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पाए जाने वाले पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मेटल धनावेश होती है और लिगेंड ऋणावेशित होती है, तो उनके बीच में क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन। ओके, तो होता क्या है कि उपसंस योजक यौगिक में बॉन्डिंग की तो बात करें ना हम लोग, बॉन्डिंग कैसे होती है, तो बॉन्डिंग कैसे होती है कि पहले मेटल होती, ठीक है, उसमें क्या होती है, लिगेंड जुड़ते हैं, तो लिगेंड जुड़ते हैं। तो हम लोग जो थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे वो थ्योरी है हमारी, वो हमारी क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन शॉर्ट इसको बोला जाता है CFT। क्या से इसका नाम क्या होता है, CFT, इन शॉर्ट ये नाम क्या हो गया, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, अब देखो इस थ्योरी के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, लिगेंड से, यानी लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन अपने देता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसपे हम पार्शियली नेगेटिव मानते हैं और इसपे पार्शियली पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको, क्योंकि मेटल धनावेशित होती है और लिगेंड क्या होते हैं, ऋणावेशित, इनके बीच, इसलिए इनके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही लिगेंड के पास मेटल आता है, मेटल के पास लिगेंड आता है, तो मेटल पहले व्यवस्थित रहता है, मेटल के कक्षक पहले व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड के उसके कक्षक आते हैं, लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने कक्षकों को एक व्यवस्थित प्रकार से करता है, अरेंजमेंट फिर से करता है, तो उनमें क्या होते हैं, कुछ उसके क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में क्या होता है, ऐसे मतलब अरेंजमेंट होते हैं या फिर अभिविन्यास होता है, जिस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर के हो जाते, कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं, कुछ निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं। अब कैसे क्या हो जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर मेटल के डी कक्षक भाग लेंगे, यही पढ़ रहे थे हम लोग, मेटल के डी कक्षक भाग लेते हैं। तो मेटल के डी कक्षक, अब डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, पहले आपको डी कक्षकों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डी कक्षक के बारे में पता होगा तब हम लोग आगे की स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, डी कक्षक में देखो ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, डी का 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में आता, ठीक है, 5 होते हैं। अब इन 5 में क्या होते हैं, एक होता है आपका DXY होते हैं, DYZ होता है,
बी एक्स जेड होता है, जेड एक्स बोल सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड। ये हमारे क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। इसमें से ये जो तीन प्रकार के कक्षक हैं, ये जो तीन प्रकार के हैं, इनके जो पाले होते हैं, क्योंकि देखो हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा एस कक्षक गोलाकार आकृति का होता है, जो पी कक्षक होता है वो डंबल शेप होता है, जैसे ये वाला हमारा एस कक्षक होता है, ये वाला हमारा पी कक्षक होता है। तो हम डी कक्षक की बात करते हैं तो डी कक्षक हमारा क्या होता है, डबल डंबल है ना, डबल डंबल होता है, यानी दो डंबल एक साथ में जुड़े होते हैं। तो अगर हम इसमें डी एक्स वाई की बात करें तो इस डी के अंदर भी क्या होंगे, दो ही डंबल होंगे, मतलब डंबल तो दो ही बनेंगे, डमरू जैसे बनते हैं वो तो दो ही बनेंगे। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि इन तीन जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी जो पालियां होती है, ये इनको लोब्स बोलते हैं, पालियां, इनकी पालियां जो होती है वो अक्षों के बीच में होती है। वैसे इलेवेंथ क्लास में ये आ जाता है पूरा डिटेल से, फिर मैं वापस बता दे रही हूँ। इनकी पालियां अक्षों के बीच कैसे होती है कि मान लो हमने क्या बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, तो इस डी की, इस एक्स और वाई की, और देखो इधर भी होता है माइनस वाई और इधर होता है माइनस का एक्स, यही तो होते हैं, और ऐसे ही इनके एक्स और वाई के बीच में, यानी कि ये डी एक्स वाई की आकृति कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डी वाई जेड की, तो वाई तो हमारे ये मान लिया और जेड हमारी क्या होगी ये, तो अगर आप इसको देखोगे ऐसे देखने में इनकी जो अक्ष, सॉरी कि अगर हम क्या करें, इसको क्या मान रखा था हमने x, इसको y और ये हमारी क्या होगी z, तो यानी कि इस z और इस y के क्या होगी, yz है तो z और y के क्या होगी, बीच में होगी, तो ये z और ये y, तो यहाँ पर भी ये y और ये z इसके बीच में होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पाली भी क्या होगी, y और z के बीच में होगी। तो एक बार में हम दो एक्सिस के बीच में ही बनाएंगे, ठीक है, तीनों एक्सिस काउंट नहीं करेंगे। अब थ्रेडी के अंदर आप इसको देखोगे तो अलग अलग आपकी बन जाएंगी, ऐसे ही एक्स जेड करोगे तो एक इसको एक्स मान सकते हैं, एक जेड, फिर से इस प्रकार की, यानी कि जो डी इसका जो ढांचा है, इन कक्षकों का इनका ढांचा इस प्रकार का होता है कि जो इनकी पालियां होती है वो अक्षों के क्या होती है, बीच में, और ये वाली एक्सिस होती है हमारी, इन अक्षों की क्या होती है, हमेशा बीच में पाई जाती है। किन कक्षकों की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, यानी कि डी कक्षक में तीन कक्षकों की पालियां अक्षों के बीच में होती। उसके बाद हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, तो इसकी पालियां अक्षों के क्या होती है, ऊपर, इन कक्षकों की पालियां क्या होती है, अक्षों के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये बन गया, ठीक है, वाई स्क्वायर ये, तो इसके अक्षर की आकृति और इस कक्षक की आकृति में डिफरेंस है ना, इनकी पालियां हैं अक्षों के बीच में और इसकी पाली है अक्षों के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डी जेड स्क्वायर का बनाएं तो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, जो पाली होती है वो आपकी जेड एक्स इस पे होती है और आपकी एक रिंग पाई जाती है जो एक्स और वाई की होती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ये हमारे की क्या होती है, आकृतियां होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डी कक्षक एक्सिस के ऊपर होते हैं और कौन से डी कक्षक एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये जो तीन कक्षक हैं, इनकी पाली अक्षों के बीच में होती है, यानी ये बीच में पाए जाते हैं अक्षों के, और जो हमारे जो कक्षक है, कौन से कक्षक, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी जो पालियां हैं, इन डी ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं, वो कहाँ पाई जाती है, अक्षों के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मेटल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा होता है तो उस टाइम पे ये जो सारे जो डी कक्षक हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी जो होती है, यानी सबकी ऊर्जा समान होती है, सेम होती है, ठीक है, जब हमारे पास में लिगेंड मेटल के पास में नहीं आया है, ठीक है, यानी कि मेटल से इंट्रैक्ट नहीं हुआ लिगेंड का, तब तक मेटल के पास कोई लिगेंड नहीं है।
तो तब मेटल के जो सभी दीकक्षक हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, तो इन्हें कहा जाता है समभ्रंश या डीजनरेट। क्या कहा जाता है? डीजनरेट इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक। ठीक है, यानी कि बिफोर द कमिंग टू लिगेंड टुवर्ड्स द मेटल, मेटल के मतलब लिगेंड मेटल के सामने आता है, उससे पहले मेटल के सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, यानी सभी कक्षक समभ्रंश होते हैं। इतनी चीज समझ आई? अब समभ्रंश होते हैं, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही लिगेंड आ जाता है मेटल के पास में, तो ये जो डी कक्षक है, इन डी कक्षकों में क्या हो जाता है? विभाजन। इन डी कक्षकों में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ये डी कक्षक समान ऊर्जा के नहीं रह पाते। और ये हुआ क्या कि जैसे ही मेटल के पास में लिगेंड आए, तो मेटल के जो पांचों डी कक्षक है उनमें विभाजन हो गया। और हुआ किस वजह से कि लिगेंड अपना क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस क्षेत्र के कारण इसका विभाजन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, या इसको क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर विभाजन हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है ये थ्योरी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ओके, अब विभाजन कैसे क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर, देखो ये वाला अच्छे से आपको पता होना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रही कि ये डायग्राम बनाओ अपनी नोट्स में, ये जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सहूलियत के लिए बना लीजिए, क्योंकि ये आपके इलेवेंथ में है तो ये टॉपिक वापस से लिखना नहीं है, लेकिन क्योंकि नोट्स में ये डायग्राम वगैरह मिले हुए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इलेवंथ में पढ़ भी लिए हैं तो इसलिए नोट्स में आप लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में इनको लिखो नहीं लिखो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ये आना है। ठीक है, कि भाई इन डी कक्षकों की, हाँ ये चीज आपको लिखनी है कि इन डी कक्षकों की पालिया लोब की जो पालिया लोब होती है वो अक्षों के ऊपर होती है और इनके अक्षों के बीच में होती है, ये आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो हम लोग आगे की थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। ये तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास दो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एक तो हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, और एक हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल और एक हमारा क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इनमें से देखना, ऑक्टाहेड्रल की सबसे पहले बात करते हैं, अष्टफलकीय युग्म। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अष्टफलकीय युग्म में सीएफटी, अष्टफलकीय युग्म में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजक। अब आप पहले आपको अष्टफलकीय यौगिक बता रहे, तो आपको पता होना चाहिए अष्टफलकीय युग्म में कितने लिगेंड आएंगे, छह। समन्वय संख्या कितनी होती है? छह। तो यानी कि यहाँ पर लिगेंड्स कितने होंगे हमारे, जो लिगेंड होंगे वो कितने होंगे? छह। अब हमें क्या पता होना चाहिए अष्टफलकीय यौगिकों की आकृति, कैसी आकृति होती है अष्टफलकीय? यहाँ पर देखो एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको रिपीट करूंगी ये टॉपिक वापस से, जैसे मैं एक बार बता देती हूँ फिर से मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप कोशिश करना कि आपको एक बार में अच्छे समझ आए, क्योंकि दोबारा तो रिपीटेशन में तो वही चीज रिपीट ही हो जाएगी। तो आपको, क्योंकि इसको थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है, आपको इमेजिन करके भी देखना होगा, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे? चार लिगेंड। ऐसे ही होते हैं, एक प्लेन के अंदर कितने लिगेंड होते हैं? चार। फिर एक लिगेंड आपका, एक लिगेंड आपका क्या होता है? ऊपर। और एक लिगेंड आपका क्या होता है? नीचे। ऐसे ही होते हैं, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे। आपको पता चल गया कि ये अष्टफलकीय युग्म की क्या है? आकृति है। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? अब देखो, लिगेंड याद रखना, लिगेंड हमेशा एक्सिस से ही आते हैं। क्या चीज याद रखोगे? इसको स्टार पॉइंट डाल के लिख सकते हैं हम लोग कि लिगेंड हमेशा एक्सिस, या हम लोग बोल सकते हैं अक्ष से आते,
यानी कि क्या मतलब है, वो अप्रोच किस टाइप से करते हैं। ये लिगेंड आए ऐसे थोड़ी ना हवा में चल के आ गए, ऐसे 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 तो आते नहीं है। लिगेंड मेटल के जो चारों ओर जो एक्सिस बनती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके थ्रू मेटल से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो मेटल ये है हमारा, है ना। इस मेटल के जो लिगेंड अप्रोच करेंगे तो किससे करेंगे, एक्सिस से अप्रोच करेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। ये हमें स्टार पॉइंट डाल के, नॉट डाल के लिखना है। ये अगर आपको चीज याद हुई तो आपको पूरी चीज याद आएगी समझ में कि लिगेंड एक्सिस से आएंगे। ठीक है, अब अगर मान लो इमेजिनेशन में हमने इस मेटल के आर पार क्या बनाई, एक्सिस बनाई, तो इसके एक्सिस कैसे बनाओगे। ये एक्सिस को बढ़ा के हमने मान दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस को बढ़ा के हमने मान दिया वाई एक्सिस, और ये एक्सिस को बढ़ा के हमने मान दिया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस बन गई। ठीक है, और ये देखो लिगेंड भी इधर से ही आ रहे। ठीक है, लिगेंड क्या करेंगे, इधर से ही आ रहे मेटल के साथ में। अब अगर हम बात करें तो मेटल के ऐसे कौन से कक्षक है जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली टच में आ रहे हैं, कौन से होंगे मेटल के, ध्यान से सुनना, मेटल के ऐसे कौन से कक्षक हैं जो लिगेंड्स के डायरेक्टली टच में आ रहे हैं, कौन से होंगे मेटल के ऐसे कौन से कक्षक हैं जो लिगेंड्स के डायरेक्टली टच में आ रहे हैं, कौन से होंगे, जिनकी लॉब अक्ष के ऊपर होगी, क्योंकि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, अक्ष के ऊपर से आ रहे हैं। लिगेंड कहाँ आ रहे हैं, अक्ष के ऊपर से आ रहे हैं, या अक्ष के ऊपर से नहीं मतलब अक्ष के थ्रू। ठीक है, तो एक्स के थ्रू बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिगेंड कहाँ आ रहे हैं, एक्स के थ्रू, और लिगेंड एक्स के थ्रू आ रहे हैं तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में कौन से लिगेंड, कौन से कक्षक आएंगे, जो कक्षक मेटल के, जो कक्षक एक्सिस के ऊपर है, समझ आ रहे हैं, मेटल के जो कक्षक एक्सिस के ऊपर हैं वो लिगेंड के डायरेक्टली टच में आएंगे। देखो मैं अलग से बना के समझाती हूँ। अगर हम बात करें तो हमने इधर मान लिया एक्स एक्सिस, इधर मान लिया वाई एक्सिस, इधर मान लिया हमने जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई, डी एक्स वाई की बात करें तो वो कक्षक तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब देखना डी एक्स वाई कक्षक कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, एक्सिस के बीच में बनेगा। अगर हम डी वाई जेड की बात करें तो वो कैसे बनेगा, वाई और जेड के एस टाइप से बीच में बनेगा। अगर हम जेड एक्स की बात करें तो ये जो हमारा जेड है, ये हमारा क्या है, जेड, और ये हमारा एक्स, तो वो कहाँ बनेगा, जेड और एक्स के बीच में, क्योंकि ये एक्स और जेड, बताओ बनाना। अब सुनना, अच्छे से सुनना, देखो मेटल के ये कौन सी कक्षक है जिनकी पानी अक्षों के बीच में है। अब मुझे बताना, यहाँ पर लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड आ रहा है एक तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है एक लिगेंड आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक लिगेंड आ रहा है यहाँ से आ रहा है। तो बताओ इन कक्षकों में कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये कक्षक डायरेक्टली टच में है क्या, नहीं है ना, ये डायरेक्टली टच में का है, तो बीच में है, इनके अक्षों के बीच में है। अब अगर हम बात करें, ये समझ आ गया ना। अब मैं इधर की साइड देखना थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस मानी हमने और ये हमने जेड एक्सिस मानी है, तो जिसमें आपको पता है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की लॉब यहाँ पर होगी, ये हम मेटल के डी कक्षक बना रहे हैं, है ना, और यहाँ पर जो डी जेड स्क्वायर की हमारी क्या होगी, लॉब होगी, और इस टाइप से ऐसे सर्किल में भी होगा। तो अब लिगेंड कहाँ से आएगा, एक लिगेंड आएगा इसके थ्रू, एक लिगेंड आएगा इसके थ्रू, एक लिगेंड आएगा आपका इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू और इसके थ्रू। तो यहाँ पर तो मेटल का लोब से यहाँ पर, क्योंकि मेटल के जो डी कक्षक है उनके पास इनमें क्या, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ही तो है, हम लोग भरते नहीं क्या ऐसे एक दो एक दो एक ऐसे भरते ना, तो इन पालियों में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली टच में आ रही है ये पालियां, नहीं आ रही, लेकिन जो पालियां इसके ऊपर है वो इन लिगेंड्स के क्या आ रही है, भाई इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, आ रहा है ना, इन पालियों में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, और लिगेंड भी क्या है लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ही लेके आ रहा है, तो इनका डायरेक्टली टच होगा,
और आपको पता है सेम चार्ज रिपेल टू इच अदर, यानी सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट यहाँ पर जो मेटल के जो कक्षक अक्षों के ऊपर है, जिन कक्षकों की पालियां अक्षों के ऊपर है, वो लिगेंड के डायरेक्टली टच में आ रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जिस वजह से मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण जहां पे होगा वहां पर ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेटल के जो दो कक्षक है कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली टच में है, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर इनकी पालियां अक्षों के बीच में है, तो यहाँ पर बताओ रिपल्शन होगा क्या, लेकिन अपना इधर से आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इधर है, तो अब देखो एक 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 इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, सिर्फ कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर वही एक दूसरे से टक्कर खा रहे तभी तो ऊर्जा बढ़ेगी, तभी लड़ाई गुस्सा होगा। तो यहाँ पर यही सेम चीज इसमें है कि लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, मेटल के भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो सेम सेम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेटल के डी कक्षकों की पालियां अक्षों के ऊपर है, तो वो पालियां रिपल्शन हो जाएगा, लेकिन इनमें अक्षों के बीच में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इनकी ऊर्जा तो कम ही रहेगी। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनकी ऊर्जा क्या रहती है, कम, इनकी ऊर्जा कम रहती है, और इनमें प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आ गया होगा आई होप, फिर से एक बार बात पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज, ये पॉइंट आपको समझ आएगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि स्प्लिटिंग हुई कैसे। अब मैंने ये कह दिया कि इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्यों हो जाती है, किस कारण हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, वो आपको पता चला, क्यों हो जाती है इसकी ऊर्जा ज्यादा, क्यों हो जाती है, क्योंकि मेटल के ये जो डी कक्षक है, इन डी कक्षकों की पालियां अक्षों के ऊपर है, और अक्षों के ऊपर है इसलिए लिगेंड भी अक्षों के थ्रू आ रहे हैं, और लिगेंड अक्षों के थ्रू आ रहे हैं, इसलिए उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल्स टू ईच अदर, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो इसलिए इनकी ऊर्जा ज्यादा है। इन कक्षकों को एक साथ में कंबाइन करके बोला जाता है ईजी कक्षक, कौन से कक्षक, ईजी कक्षक। अगर हम बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड की, तो वहां पर मेटल के जो पालियां है वो अक्षों के बीच में है और लिगेंड अक्षों के थ्रू आ रहे हैं, तो वहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो रिपल्शन भी नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो ऊर्जा डाउन चली जाएगी, इसलिए ये क्या होते हैं, निम्न कक्ष, निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं इनको बोला जाता है एक साथ में टी टू जी कक्षक, इनको क्या कहा जाता है, टी टू जी कक्षक, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इस डायग्राम पे, आई होप समझ आ गया होगा ये वाला, कि याद है कि कॉन्सेप्ट रखना है, मेटल के अक्षों के ऊपर है वो लिगेंड के डायरेक्टली टच में आएंगी, डायरेक्टली टच में आएंगी तो उनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा उनकी ऊर्जा उच्च, और नहीं रिपल्शन होगा तो उनकी ऊर्जा निम्न, तो ये तो हो जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर के और ये हो जाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर के। तो उच्च ऊर्जा स्तर वाले लिगेंड्स को एक साथ में क्या कहा हमने, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों को एक साथ में क्या कहा हमने, ईजी कक्षक, और निम्न ऊर्जा स्तर वाले को एक साथ में क्या कहा, टी टू जी कक्षक। तो अगर हमने बात की यहाँ पर कि ऑक्टाहेड्रल में ये ज्योमेट्री होती, तो इस ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए कि मेटल के जो डी कक्षक, जो आप देखो समझ आ जाता, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ आता तो अपनी भाषा में लिखना, जो डी कक्षक की पालियां अक्षों के ऊपर है वो लिगेंड्स के डायरेक्टली टच में आएंगी, जिस वजह से ऊर्जा उनकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो डी कक्षक क्या है, जो डी कक्षक की पालियां अक्षों के ऊपर है, अक्षों के ऊपर है तो वो क्या है, डायरेक्टली टच में आएगी किसके, लिगेंड्स के, तो लिगेंड्स के डायरेक्टली टच में आएगी तो वहां पर प्रतिकर्षण क्या होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा, रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे कौन से कक्षक हैं, ऐसे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा,
इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, इनको एक साथ में क्या कहा जाता है, ईजी क्वेश्चन। ऐसे ईजी लिखा जाता है, ई और जी, ठीक है ना, समझ आया, ईजी क्वेश्चन। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो करते हैं कि जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों के क्या है, बीच में, अक्षों के बीच में है, तो लिगेंड्स का डायरेक्टली क्या नहीं है, टच नहीं है, मतलब कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, तो वहां पर प्रतिकर्षण भी नहीं है। प्रतिकर्षण नहीं हो तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, ऊर्जा कम हो जाएगी। और ऐसे कौन से कक्षक होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है। तो इन कक्षकों को बोला जाता है एक साथ में टी टू जी। समझ आया कि ऐसे क्या करते हैं, डी एक्स की पालियां जिनके ऊपर होगी उनके लेकिन डायरेक्टली टच में होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, ऐसे कक्षकों को इजी कक्षक कहा जाता है। जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों के बीच में होगी वहां पर लेकिन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे, इसलिए ऊर्जा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ऐसे कक्षक है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और इन कक्षकों को एक साथ में क्या कहा जाता है, टी टू जी कक्षक। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, दो तीन बार रिपीटेशन भी हो चुका है। अब देखो हमने क्या बोला, इसका डायग्राम बना दे कि कैसे स्प्लिट होता है। हमने क्या बोला कि मेटल के लिगेंड आने से पहले मेटल के सारे जो ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी के, ना, ये देखो समान ऊर्जा के हैं। अब जैसे यहां पर लिगेंड्स का कांटेक्ट होगा इनकी पहले कुछ ऊर्जा बढ़ जाएगी, सेम यही लिखना, ठीक है, पहले इनकी कुछ ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके बाद बढ़ने के बाद ये दो ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं, विभाजित। एक तो होते हैं आपके निम्न ऊर्जा स्तर जिसमें कौन से कक्षक आएंगे, टी टू जी। एक हो जाएंगे आपके उच्च ऊर्जा स्तर जिसमें दो आएंगे, कौन से, उनको क्या बोलेंगे, ईजी। तो इसके अंदर आएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और इसके अंदर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको डायग्राम बताया, इस डायग्राम में सी एफ सी आगे बहुत सारी चीजें ऐड होंगी, तो एक बार आप बस इतना पढ़िए और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए कैसे दो भागों में विभाजित हो गया, इस टाइप की एनर्जी कैसे डिपेंड कर रही है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि इसके बीच की ऊर्जा स्तर कितना होगा, इस एनर्जी को बोलेंगे क्या, कितना टाइप, कौन से ऊर्जा स्तर नीचे कैसे भरे जाएंगे, ऊपर कैसे भरे जाएंगे, वो हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करते कंटिन्यू। आज के लिए इतना काफी है, और अच्छे से इसको स्प्लिटिंग को समझना, एनर्जी डिवाइडेशन कैसे होता है, लिगेंड्स का कॉन्टेक्ट आपको पता हो जाना चाहिए कि जो भी लिगेंड्स याद, एक पॉइंट लिगेंड की, तो एक पॉइंट याद रखना है कि लिगेंड एक्सेस के थ्रू आएंगे, लिगेंड का एक पॉइंट याद हो गया हमें, ठीक है। उसके बाद कि मेटल के जो कक्षक लिगेंड्स के डायरेक्टली टच में होंगे वही तो, उनमें ही तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ऐसे कौन से कक्षक है जिनकी पाले अक्षों के ऊपर है, तो कौन से कक्षक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसलिए इनकी पालियां डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, इनकी पालियां बीच में है तो इनमें कॉन्टेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने आप इसको अच्छे से पढ़िए, ओके, नोट्स बनाइए।